2024 लग चुका है और मेरे तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोगों का ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और ऐसे में जो है ना, अब हम बात करने वाले हैं अपकमिंग गाड़ियों के बारे में जो 2024 में जो है ना लॉन्च होने को तैयार है बिल्कुल। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों का प्लान तो होगा ही कोई नई गाड़ी लेने का, ऐसे में जो है ना आप लोगों की कोई मन पसंदीदा गाड़ी इस लिस्ट के अंदर हो सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गाड़ी आने वाली है वो निसान की आर्या आने वाली है। ये एक मिड साइज एसयूवी रहने वाली है, ठीक है। और इसमें जो है ना खास बात ये होने वाली है, ये प्योर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होने वाली है। निसान मोटर्स भी अब जो है ना इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। इसकी जो प्राइसिंग रखी जाएगी वो 16 से लेके 26 लाख रुपए तक की रखी जा सकती है, जिसमें आपको बैटरी पैक जो मिलेगी वो 65 किलो वाट आर की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको डुअल मोटर सेटअप भी देखने को मिल सकता है। और वहीं इसकी जो रेंज क्लेम कर रही है कंपनी वो 360 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। इंटीरियर की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आप लोगों को मिलने वाला है। सारे अप टू डेट फीचर्स आप लोगों को इसके अंदर दे दिए जाएंगे, जैसे कि बिग स्क्रीन आप लोगों को मिल जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे, और साथ ही में आपको 360 डिग्री कैमरा जैसा भी आप लोगों को फीचर दिया जाएगा। बाकी एक्सटीरियर तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों को इसके अंदर मिल रहा है। गाड़ी आप लोगों को मार्च 2024 में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टोयोटा मोटर्स की तरफ से अर्बन क्रूजर नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना तगड़ा प्रोडक्ट होने वाला है टोयोटा मोटर्स की तरफ से आने वाली, जिसमें आप लोगों को जो है ना फ्रंट देखते हो तो पूरी तरीके से आप लोगों को अपडेटेड मिलेंगे। इंटीरियर में भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं। ऐसे में इसकी जो प्राइसिंग रखी जाएगी वो 10 से 14 लाख रुपए तक की रखी जा सकती है। इंजन आप लोगों को इसमें 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आप लोगों को मिल जाएगा, और साथ ही में आपको एक न्यू हेडसअप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और काफ़ी नए नए फीचर्स आप लोग को इसमें ऑफर किए जाएंगे। गाड़ी आप लोगों को ये भी मार्च में ही देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आने वाली है सिट्रोइन मोटर्स की तरफ से C3 एयरक्रॉस। अब ये सिट्रोइन मोटर्स का मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता, ये इंडिया में रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती है। अब 2024 लग चुका है ना, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि इस कंपनी का क्या होता है आगे का फ्यूचर। तो ये गाड़ी भी एक मिड साइड एसयूवी रहने वाली है, जिसकी प्राइसिंग 10 से लेके 16 लाख रुपए की होने वाली है। इसमें आपको एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 125 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करेगा। और इसमें जो फीचर्स होने वाले हैं, इसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स दिए जाएंगे, सारे अप टू डेट फीचर्स होंगे। अगर सिट्रोइन का मन किया तो बहुत कुछ आप लोग को दे देंगे, जैसे कि बिग स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा भी आप लोगों को इसके अंदर ऑफर किया जाएगा। और गाड़ी आप लोगों को फरवरी में देखने को मिल सकती है, बाकी कब आएगी वो चीज़ हम तब की तब बात करेंगे। बाकी सिट्रोइन है, कुछ नहीं कह सकते इसमें। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ह्यूंडई मोटर्स की तरफ से आने वाली है सबसे प्रीमियम गाड़ी सेंटा फे। इस गाड़ी को भी यार इंडिया में आना ही चाहिए, जहां तक लगता है कि ये गाड़ी आ भी सकती है यहां पे। इसके बारे में बात करते हैं। ये 5+7 सीट्स लेआउट में जो है ना एक प्रीमियम सेगमेंट में आने वाली मस्त सी एसयूवी है, ठीक है, जिसकी जो प्राइसिंग होगी वो बहुत ज़्यादा जाने वाली है। जैसे कि आप लोगों को जो है ना 20 से 25 लाख रुपए इसकी प्राइसिंग रखी जाएगी अगर इंडिया में आ गई, आने वाली है। जो गाड़ियाँ आने वाली होती है ना उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये चीज़ जो है ना आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे नेक्स्ट लेवल आप लोगों को लुक्स एंड डिज़ाइन इसमें देख ही रहे होंगे आप लोग। यूनिक लाइटिंग सेटअप आप लोगों को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। 2.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 6 स्पीड CVT, MT और ECVT गियरबॉक्स के साथ पेयर रहेगा। नेक्स्ट लेवल इंटीरियर होंगे इसमें, ऑल फीचर्स आप लोग को सारे मिलने वाले हैं इसके अंदर, जितने भी एडवांस फीचर होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। वेंटिलेटेड सीट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ, और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा बेहतरीन फीचर आप लोगों को एडास भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं गाड़ी आप लोगों की जो है ना अप्रैल 2024 में देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्विड, मतलब रेनो मोटर्स की तरफ से जो क्विड गाड़ी है, बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, सबसे अच्छी दिखने वाली, ऑल्टो से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसकी जो है ना ईवी वेरिएंट पे ये लोग काम कर रहे हैं, ईवी का तैयारी कर रहे हैं अब रेनो वाले भी, तो ईवी पे उतारेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है क्विड को, जो एक बजट सेगमेंट ईवी होने वाली है अपने सेगमेंट में, ठीक है, जिसकी जो प्राइसिंग रखी जाएगी वो 8 लाख से 12 लाख रुपये तक की रखी जा सकती है। 26 किलो वाट आर की लिथियम आयन बैटरी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी जो रेंज होगी वो 250 से लेके 300 किलोमीटर्स की होगी। अब ये गाड़ी आप लोगों को जो है ना मिल जाएगी बहुत जल्द, और इसमें जो है ना कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे, जैसे कि ईवी की बैजिंग आपको मिल जाएगी, न्यू हेडलैम्प सेटअप आप लोगों को मिल जाएगा इसमें, और इलेक्ट्रिक सनरूफ भी अब आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं गाड़ी में थोड़ा डिले होगा, क्योंकि अभी जो है ना ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना पूरी तरीके से
मतलब बना नहीं है अपनी इंडिया में, तो कैसे होता है वो सब कुछ देखेंगे हम आगे। और ये इस गाड़ी का जो लॉन्च डेट होगा वो हो सकता है कि जून से जुलाई के महीने में हो। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जीप की रेनेगेड नाम है एक, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। ये एक सब 4 मीटर में आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो कि 4x4 कैपेबिलिटीज के साथ आएगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। जिसकी जो प्राइसिंग होगी वो 12 लाख से 16 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। इसमें आपको 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा। और साथ ही में आप लोगों को जो है ना इसमें प्रीमियम इंटीरियर देने वाले सनरूफ भी आपको मिल जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स भी आप लोग को इसके अंदर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, 360 डिग्री कैमरा भी आप लोग को दिया जाएगा। ऐसे में ये गाड़ी आपको मार्च 2024 में या फरवरी 2024 मतलब इसी साल देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पे टोयोटा मोटर्स की तरफ से आने वाली है टोयोटा की रेज। ये भी एक सब 4 मीटर में आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो कि आप लोग को मिनी फॉर्च्यूनर से इंस्पायर्ड लगेगी देखने में कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये भी जो है ना 9 से 13 लाख रुपए जो है ना इसकी एक्सशोरूम कीमत के साथ इसको यहाँ पे उतारा जा सकता है। और जैसे इसके कॉम्पिटिटर के बारे में बात करूँ मैं आप लोगों को, तो इसमें आपको वेन्यू, नेक्सॉन, पंच जैसी जो गाड़ी है ना वो इसके कॉम्पिटिटर होने वाले हैं। काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलेगा अगर ये गाड़ी मार्केट में आ जाती है। वहीं आपको इसमें जो है ना एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 98 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करेगा। अब एक 1 लीटर होना अब टर्बो इंजन वो भी 98 BHP के साथ, थोड़ा सा बात जो है हजम नहीं होती है ये। तो मैनुअल और CVT गियर बॉक्स के साथ ये पेयर रहेगा। लुक्स मैंने आप लोगों को बता दिए, मिनी फॉर्च्यूनर से ही इंस्पायर्ड आप लोगों को इसमें लगने वाले हैं। LED हेडलाइट्स आप लोगों को पूरी तरीके से इसमें मिल जाएंगे और मई 2024 में इस गाड़ी को यहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है। वहीं नेक्स्ट गाड़ी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे होंडा मोटर्स की तरफ से गाड़ी आ रही है WRV। ये भी एक कॉम्पैक्ट SUV रहने वाली है अपने सेगमेंट में, जिसकी जो प्राइसिंग रखी जाएगी वो 8 से 14 लाख रुपए तक की रखी जा सकती है। और इस गाड़ी को अगर आप लोग कहीं देखते हो तो आप लोग को अमेज के प्लेटफॉर्म में इसको बनाया जाएगा, जो कि अमेज जैसा ही आप लोग को हल्का फुल्का सा इसमें लगेगा कि उसकी ही कुछ इसके अंदर निशानी छोड़ी हुई है। तो अगर फ्रंट में देखते हो तो आप लोग को एक रडार सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। इसमें एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 100 BHP के पावर जनरेट करेगा। 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड CVT गेयरबॉक्स के साथ ये पेयर रहने वाला है। बिग स्क्रीन आप लोग को इसमें ऑफर किया जाएगा, वायरलेस चार्जर भी आप लोगों को दिया जाएगा और गाड़ी आप लोगों को जो है ना फरवरी 2024 में देखने को मिल जाएगी भाई। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, आखिरी गाड़ी के बारे में। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली है नेक्सॉन CNG। इस गाड़ी को भी बहुत बार जो है ना टेस्टिंग के दौरान देखा है कि नेक्सॉन जो है ना CNG में कब लॉन्च होगी, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, तो डिज़ाइन आप लोगों को एज यूजुअल वैसा ही देखने को मिलेगा जो अभी फेसलिफ्ट वाला वर्जन आया है इनका। 1.2 लीटर का आप लोग को एक टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है, इसमें एक 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि मैनुअल और DCA गैस गियरबॉक्स के साथ आ जाता है और ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आप लोग को मिल रहा है इसमें। इसमें आप लोग को CNG में एक CNG का लोगो मिल जाएगा, CNG और जो CNG होगा ना वो आपको 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिलेगा, जिसकी जो पावर आउटपुट होती है वो है 120 PS और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। CNG में जब आप इसको स्विच करोगे तो इसकी पावर ड्रॉप हो जाएगी। वहीं CNG कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो 12 kg का आप लोग जो है ना इसमें फील कर सकते हैं CNG। LED लाइटिंग सेटअप आप लोग को मिल जाएगा, इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाएगा स्टेयरिंग व्हील के ऊपर और स्टेयरिंग आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिलता है। बिग इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा और ये गाड़ी आप लोगों को जो है ना मार्च 2024 में देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये वो गाड़ियाँ थी जो अभी जो लॉन्च होने वाली है इसी साल के अंदर। आप लोगों को बताना आप लोगों को कौन सी गाड़ी का इंतज़ार है, उस गाड़ी पे हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में जाके आप मुझसे बता सकते हैं। बाकी आजकल बीमारियों का सीज़न चला हुआ है, तो बीमारी के वजह से जो है ना आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है तो कुछ भी स्लिप हो जाता है, तो उस तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं देना है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, मैं मिलूंगा आप लोग को ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। और हाँ, और एक बात, दोबारा से आप लोगों को जो है ना हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से, ठीक है। तो बने रहना आप लोग इसी वीडियो में और इसी चैनल के साथ, हम मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप लोग रखना अपना ध्यान। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ रहे। जय हिंद।